अरे लड़ता, बोले नहीं रानी इतनी जोर से तलवार चला मैं देखते ही डर लगे, लड़ने की तो बात छोड़ दे। साथियों रानी ने कहा तू कभी इनसे जीत नहीं सकता, एक ही तरीका है, क्या कि तू यूं कह राजा मेरे धोरावे और मैं सुलह करना चाहूं और बस धोखे ते मार दे राजा फिर कोई बात नहीं। तो सरदारों ये अहमद सबेईमान एक चिट्ठी लिखता है, एक परवाना लिखता है, और क्या लिखता है सुनिए कैसे। अरे अहमद सहने खत लिखो रे, बेटी को डोला दूं रे, ये राजा कर मेरा रे विश्वास, विश्वास राजा कर मेरा रे विश्वास, विश्वास राजा कर मेरा विश्वास। मेरा गलती की माफी गलती की माफी दीजो, गलती की माफी दीजो, गलती की माफी दीजो, मेरी नमस्कार ले लीजो रे, मेरी नमस्कार ले लीजो, मेरी नमस्कार ले लीजो रे, मेरी नमस्कार ले लीजो। लखली तेरी वीर ताई, लखली तेरी वीर ताई, लखली तेरी वीर ताई, हर तरह लई अजमाई रे, हर तरह लई अजमाई, हर तरह लई अजमाई रे, हर तरह लई अजमाई। ओ दरबार में इकलो आइयो रे, दरबार में इकलो आइयो, दरबार में इकलो आइयो रे, दरबार में इकलो आइयो। खाइयो रे मत मन में दहशत, खाइयो रे मत मन में दहशत, खाइयो रे मत मन में दहशत, खाइयो। लिख चिट्ठी में हाल सभी, फिर दूत दिया भिजवाई रे, लिख चिट्ठी में हाल सभी, फिर दूत दिया भिजवाई रे। पढ़ते ही मन में खुशी मनाई रे, सूरज मरने खत पढ़ते ही मन में खुशी मनाई रे, सुलह में वाते कर आऊं। सरदारों एक चिट्ठी लिख दी अहमद शाह ने कि भाई अपनी बेटी को डोला दूं, तेरे जैसा वीर बहादुर को योद्धा राजा मैंने देखा ही नहीं, लेकिन दरबार में राजा अकेलो आवे संधि करे और मेरी बेटी को डोला ले जाए। महाराज सूरजमल को इतनी प्रसन्नता हुई कि ना तो आगे मेरी सेना मरेगी और ये साला हार मान रहा है, अपनी बेटी का डोला दे रहा है, भरतपुर रियासत सदा के लिए अमर हो जाएगी। क-
कहता है कि मैं अकेला जा रहा हूं, लेकिन सरदारों क्योंकि जिस राजा के मंत्री चतुर नहीं होते उनकी हार होती है, और जिस राजा के मंत्री चतुर होते हैं वो कभी नहीं हार सकते। जैसे जो धृतराष्ट्र का मंत्री था वो खुद चतुर था पर राजा उसकी बात नहीं मानता था। राजनीति के चाणक्य महात्मा विदुर बहुत चतुर थे लेकिन कभी भी विदुर की बात धृतराष्ट्र ने नहीं मानी, परिणाम गलत निकला। आज उनकी सब एक सिपह सालार हैं और वो क्या कहते हैं, एक कहे न्यो मान सिंह सरदार, कहे न्यो मान सिंह सरदार, अकेले अकेले मत जाओ दरबार, अकेले मत जाओ दरबार, अकेले मत जाओ दरबार, अकेले मत जाओ दरबार। पुराने पढ़ देखो इतिहास, पुराने पढ़ देखो इतिहास, पुराने पढ़ देखो इतिहास, पुराने पढ़ देखो इतिहास, करे मत मुगलन को विश्वास, 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 फौज कछु ले चल अपने साथ, फौज कछु ले चल अपने साथ, फौज कछु ले चल अपने साथ, फौज कछु ले चल अपने साथ। मान मेरी ओ मान मेरी सूरज मल तू बात, 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 है अहमद साहब बेईमान, है अहमद साहब बेईमान, है अहमद साहब बेईमान, करेगो तेरे संग में घात। सरदारों एक मानसिंह नाम का सरदार कहता है कि महाराज चिट्ठी के ऊपर इतना खुश मत हो, ये बेईमान है, हमेशा धोखे से मारते आए हैं, इनका विश्वास करना उचित नहीं है। क्या कहता है, क्या समझा नहीं जो छल कपट। राजा ने कहा कि हमारी वीरता के सामने झुक गया है और ये हमारा बिगाड़ेगा ही क्या, मुझे थोड़े ही मार सकता है। सरदारों मान सिंह सरदार ने बहुत समझाया, क्या होता है, क्या समझा नहीं जो छल कपट, मुगलों के गलत विचार को और सूरज मल अभिमान में फिर चल दिया दरबार को, अकेला चल दिया। लेकिन सरदारों मान सिंह पीछे चला, वो मान सिंह पीछे चला देकर इशारा फौज को, वो अहमद शाह चाहता मिटाना हिंदुओं के खोज को, फिर सूरज मल को देख जो समय आया, सूरज मल को देख जो समय आया, ये गिरफ्तार, ये गिरफ्तार कर ले रे जो होता मैं सुनायो, ये गिरफ्तार कर ले रे जो होता मैं सुनायो, फिर मान वो फिर मान सिंह सरदार तुरंत गयो आई, फिर मान सिंह गयो आई, अहमद
खून की धार युद्ध होयो मारो जंगली खून की धार युद्ध होयो मारो अरे अहमद शाह बचा प्राण भगो सरदारो अहमद शाह बचा प्राण भगो सरदारो अरे मुगल मान गए हार ना कोई दे दिखाई मेरा मुगल मान गए हार ना कोई दे दिखाई और म्यान करी तलवार एरे म्यान करी तलवार है गई बंद लड़ाई और मान करी तलवार है गई बंद लड़ाई और डेरान पे पहुंचे जाई रे